नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को, यानी कि एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा में महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला, कहा महाअघाड़ी आरक्षण के महाभक्षण का चला रही है महाअभियान। वहीं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी आरक्षण के महारक्षण का महायज्ञ कर रहा है। पीएम मोदी ने संजय राउत के बयान का दिया जवाब, जो लोग मुझे कब्र में गाड़ना चाहते हैं वो मुझे नहीं गाड़ पाएंगे। पीएम मोदी ने नंदुरबार में कहा, वंचितों और आदिवासियों की सेवा परिवार के सदस्य की सेवा जैसी है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार की तरह बड़े घराने सही नहीं निकला, मैं तो गरीबी से बड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में करेंगे 2 जनसभाएं, 3:15 बजे महबूब नगर में और 5:30 बजे हैदराबाद में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो, 8:30 बजे करेंगे रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे के करीब चंडीगढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के नाडिया में 3 बजे और बीरभूम में 4:30 बजे करेंगे जनसभा। इसके बाद आसनसोल में शाम 5:30 बजे करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश के बैतूल में आज 4 बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान, बस में रखी 4 ईवीएम और अन्य उपकरण में आग लगने के कारण हो रहा है फिर से अब मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना के भोंगीर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में कन्नौज में संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। कानपुर में भी राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा आज। कन्नौज की रैली पर भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। चंडीगढ़ से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने किया रोड शो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। बसपा प्रमुख मायावती आज अकबरपुर में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित, राजेश द्विवेदी के समर्थन में करेंगी रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में और बहरेच में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा, मेरी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अभूतपूर्व विजय होने वाली है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय की नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ रॉय ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तेलंगाना के खम्मम में आदिवासी समूह के 200 वोटरों ने मतदान का किया बहिष्कार, रिटर्निंग ऑफिसर ने गांव जाकर उनकी समस्या जानी। सैम पिट्रोडा के बाद मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, बोले पाक के पास आटम्बम इसलिए सम्मान दे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, यह उनकी निजी राय, कांग्रेस का ऐसा कोई रुख नहीं। भाजपा नेता रवि किशन ने मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान कटोरा लेकर अनाज के लिए इधर उधर जा रहा है, मणिशंकर अय्यर को दिमागी इलाज कराना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस को ये दोहरी नीति छोड़ देनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अय्यर के बयान पर कहा, लोकसभा चुनाव में करारी हार की संभावना देखते हुए ये सारे कांग्रेसी बौखला गए हैं। जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, उन्हें भारत में रहने की बजाय पाकिस्तान जाना चाहिए। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि भारत के नाम से जो थरथर कांपता है उसे मणिशंकर अय्यर कहते हैं, हमें डरना चाहिए। भाजपा नेता शायना एनसी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि अय्यर अपनी सलाह अपने पास रखें, कांग्रेस नेता के बयान से तुष्टीकरण की बात आती है सामने। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस की विचारधारा लोगों के सामने हो रही है अब साफ, कांग्रेस आज फिर से अय्यर के बयान से करेगी किनारा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, उनका और उनकी पार्टी का भाव शुरू से ऐसा ही है, इसलिए वे ऐसा सोचते हैं। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस अपने कुनबे की कुर्बानी को अपने आप बयां कर रही है। जेडीयू नेता किसी त्यागी ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, आरजेडी के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नौकरियां समाप्त हुई और बिहारियों का पलायन हुआ। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता माया नारोलिया ने कांतिलाल भूरिया के बयान पर कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का दावा, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। टीएमसी नेता शशि पांजा ने संदेश खाली की घटना पर कहा, महिलाएं अब अपना एफआईआर वापस लेना चाहती हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला, आज ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। ईडी के हलफनामे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने उठाए सवाल, बोली सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई इजाजत। और सीधे लिए चलते हैं आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस समय कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारा न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूँ कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेम का जो उन्होंने। तो आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जो इस समय जनता से वोट की अपील कर रहे थे। और इस समय आपको लिए चलते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटान, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा दिया। अब इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी, क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो? जिसके घर से पैसा निकल रहा है, आपका सीबीआई कहाँ है फिर? आपका इनकम टैक्स कहाँ है? आप और आपको अगर मालूम है तो आप क्या सो रहे हैं? हिम्मत तो फिर करो। अदानी अंबानी के पास के पैसे किधर किधर जा रहे हैं, उनके घर जब्ती करो, ईडी का इस्तेमाल करो, आईटी का करो। देखो, ऐसी ये बचपने की बात करना एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दिखती। मैं अहमदाबाद गया था, उसी दिन उनका भी भाषण अहमदाबाद में था, गुजरात में। तो वो भाषण कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसा उचकाने की कोशिश की, दो कौमों में लड़ाई लड़ना की बात की। और देखिए,
जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास गाय है, भैंस है, ये है, तो वो लोग, दो भैंस अगर आपके घर में है तो एक भैंस निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अदानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में जब मतदान का, चुनावों का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन तूफान लेकर आ रहा है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आइए तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह सही है। दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार और कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंडरे ने विधान सौध में महात्मा बसवेश्वर जन्मोत्सव समारोह में भाग लिया। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार बहुमत खो चुकी है और वो अब हॉर्स ट्रेडिंग में लगेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष जनता को कर रही है गुमराह, अभी हमने विश्वास मत हासिल किया, समय आएगा तो फिर बहुमत साबित करेंगे। श्रीलंका द्वारा छोड़े गए 3 मछुआरे आज सुबह चेन्नई के एयरपोर्ट पर पहुंचे, 4 अप्रैल को रामेश्वरम तट से हुए थे गिरफ्तार। गद्दार वाले बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बालासाहेब के विचार को उद्धव ने दिया धोखा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा और बालासाहेब के लोगों को दिया धोखा। लद्दाख में आज सुबह 4.3 तीव्रता का आया भूकंप, सुबह 7:22 पर आया भूकंप। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले गए। अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हुई चारधाम यात्रा, गंगोत्री और केदारनाथ पहुंचे 15,000 तीर्थयात्री। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं ने आज प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 203 अंकों की बढ़त, 72,607 के स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में शुरुआती कारोबार में 83 अंकों का उछाल, 22,041 के स्तर पर खुला निफ्टी।
शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपये में मामूली बढ़त, एक पैसे मजबूत होकर 83.47 पर खुला रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा कि वे आयकर कानूनों के अनुरूप सोने के बदले कर्ज देते समय 20,000 रुपए से अधिक नकद भुगतान न करें। विराट कोहली की निवेश वाली कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ के प्राइम बैंड की हुई घोषणा, 258 रुपए से 272 के बीच रखा गया प्राइस बैंड। ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म टीबीओ टेक का आईपीओ आज हो रहा है बंद, अब तक 10 गुना हुआ सब्सक्राइब। एजटेक फ्लूइड्स का आईपीओ शुक्रवार को खोलेगा, 73 से लेकर 68 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायर किया गया है। भारतीय एंटरप्राइजेस ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर 663 रुपए में बेचे, 9 अलग अलग सौदों के जरिए बेचे शेयर। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 24% बढ़कर 808 करोड़ रुपए हो गया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को दूसरे दिन 1.48% अभिदान मिला, आधार हाउसिंग फाइनेंस निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन समर्थित है। भारतीय स्टेट बैंक 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाली है, जिन्हें आईटी सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। फोन खरीदने में इस साल की पहली तिमाही में देश में स्मार्टफोन की बिक्री संख्या के हिसाब से 8% और मूल्य के मामले में 18 बढ़ी है। रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI इन सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स TPAP का ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर लगाम लगाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लाने का विचार कर रही है। स्पेसटेक स्टार्टअप ग्लेक्साई को अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के साथ काम करने और टेस्टिंग लैब की सुविधा में काम करने की अनुमति मिली है। ईरान में भारतीय दूतावास में कहा गया है कि तेहरान द्वारा जब्त किए गए इजरायली जहाज पर सवार 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया है और वे ईरान से चले गए। रूस के बयान के बाद बैकफुट पर अमेरिका, राजदूत ग्रासिटी बोले पन्नू मामले में भारत की जवाबदेही से संतुष्ट। इसराइल ने यूरोविजन के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, इसराइल में भाग लेने पर हुआ था विरोध। इसराइल की सेना रफा के कई इलाकों में चला रही है सैन्य अभियान, शहर के पूर्वी हिस्से में भीषण संघर्ष की खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज कांग्रेस में रिपोर्ट जमा करेंगे, रिपोर्ट में गजा में इसराइल के द्वारा किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की नहीं है बात। उत्तर पश्चिमी चीन के नंगजिया क्षेत्र में राजमार्ग पर एक ट्रक अचानक से एक यात्री वैन के साथ टकरा गया, इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर आई है। गजा की सीमा के पास एक सैन्य अड्डे पर टैंक खड़े कर दिए गए हैं और सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। यूक्रेन ने युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के केंद्र में रह रहे 2 वरिष्ठ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, यूक्रेन की संसद ने गुरुवार को इस पर मोहर लगा दी है। अमेरिका में राजधानी वॉशिंगटन के जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से फिलिस्तीन समर्थकों के टेंट उखाड़े गए और दर्जनों छात्र छात्राओं को किया गया गिरफ्तार। यूरोप के 27 देशों में जून में चुनाव होने वाले हैं, यूरोपीय संघ के नागरिक 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद के 720 नए सदस्यों का चुनाव करेंगे। बुल्गारिया में स्मारकों की हो रही है और आगे बढ़े, इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रन के दम पर 7 विकेट पर 241 रन का स्कोर किया, विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने 55 रन की पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जीत दर्ज करने पर होगी, प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी स्थिति को मजबूती देने पर होगी। आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से T20 विश्व कप की तैयारी को मिलेगी अहम मदद। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का सऊदी स्मैश प्रतियोगिता का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त, जापानी खिलाड़ी के हाथों मिली हार। जापान के कोबे में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित हुई स्टैंड ऑफ सेरेमनी। पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जताया भरोसा, कहा कोबे में भारतीय दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिलेगा। PCI अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को उम्मीद, भारतीय दल पिछली बार से ज्यादा पदक जीतने में रहेगा सफल।
अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान लियोनल मेसी करियर को शुरुआत देने वाली नैपकिन की नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। यह प्रक्रिया 17 मई तक चलेगी। लेवरक्यूसेन ने यूरोपा लीग के फाइनल में बनाई जगह, 4-2 के एग्रीगेट के आधार पर रोमा को दी मात। जापान की नाओमी ओसाका के इटालियन ओपन में जीत का दौर जारी, यूक्रेन की मार्ता कास्ट्यू को 6-2 से हराया। वहीं पोलैंड की इगा स्वांटक ने भी जीता मुकाबला, अमेरिका की वर्नाडा पैरा को 6-0 से हराया। अमेरिका की मेडिसन केज ने भी अगले दौर में बनाई जगह, कोलंबिया की कैमिलो ओसोरियो को 6-0, 4-6, 6-3 से हराया। पुरुष वर्ग में स्पेन के रफाल नडाल ने जीता पहले दौर का मैच, रिजो बर्गस को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की हुई घोषणा, रश्मिका मंदाना को मुख्य नायिका के रूप में चुना गया। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर ईद 2025 में होगी रिलीज। विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म का ऐलान कर दिया गया है, यह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने किया दुनिया भर में अब तक का लगभग 109 करोड़ रुपए की टोटल कमाई का। भारत के ब्रांड अमूल इंडिया ने एक विज्ञापन बनाया जिसमें उन्होंने हीरा मंडी का पोस्टर इस्तेमाल करते हुए खास टैगलाइन दी है, हर हीरोइन के लिए। हुमा कुरैशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने अक्षय कुमार और अर्शद वारसी के साथ फिल्म जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के नए पोस्टर जारी कर दिए गए। फिल्म बॉर्डर 2 में कथित तौर पर आयुष्मान खुराना भी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। कला विज्ञान और फिल्म निर्माण के कलाकारों को समर्पित अकादमी म्यूजिक म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स भारतीय सिनेमा और उनके संगीत की जीवंत दुनिया का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम। नमस्कार।